देखो तुमसे शादी करने के लिए कितने दूल्हे तैयार हैं। गीत बेटा। आप क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि तुम चिल्ला रही हो। मैं तो इसलिए चिल्ला रही हूँ, पापा सपने में भी मेरी शादी कराने के लिए दूल्हे लेके पीछे पड़े रहते हो आप। हद है यार पापा। ये यार वार मुझे बोलना बंद कर दो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और बच बचा के एक ही तो सपना बचा है, एक तो तुम वैसे ही तोड़ चुकी हो। अब इतना उदास होने की भी कोई जरूरत नहीं है, अब तुम फटाफट तैयार हो जाओ पूरी तरह से और फिर नीचे आ जाओ। पूरी तरह से मतलब क्या? बैठिए बताइए, पूरी तरह से मतलब क्या? देखो मैं बाप हूँ तुम्हारा, अपनी माँ की तरह हमेशा मेरा टेस्ट मत लिया करो। मेरे भोले प्यारे चिंतित पापा, तैयार होने का क्या फायदा, होए वही जो पापा रची राखा। ना 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 मेरे बच्चे, इस बार ऐसा नहीं होने वाला, इस बार ये रिश्ता पक्का होएगा, क्योंकि इस बार जो लड़के वाले आ रहे हैं ना। हाँ हाँ मुझे मालूम है, लड़का बहुत अच्छा है, फलाना फलाना काम करता है, ये करता है वो करता है वगैरह वगैरह वगैरह। तुम्हें कैसे पता है? अरे बहुत तजुर्बा हो गया हमें पापा, मंजे में खिलाड़ी बन गए हम मेरे कोच, मेरे पापा और मेरे गुरुदेव की वजह से। और आपको एक सीक्रेट बताएं? हाँ बताओ। एंड रिजल्ट तो हमें पहले से ही पता है। रियली? तुम जानती हो तो दोनों ही दूसरे से मिल लो, जान लो, पहचान लो, बाकी मुझ पे छोड़ दो, यानी कि अपने पापा पे। जो आ गया था, बस पहले हमें इस बात से अवगत करा दीजिए कि हमारी कनिष्ठ बहन नायरा से वार्तालाप हुआ क्या? प्यारी पुत्री, बाकी बातें बाद में, अभी झटपट तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। जो आ गया। आयुष्मान बाबा। बीमारी हो गई महंगी और लोग हो गए। चिंतामणि चतुर्वेदी, पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, जिन्हें अगर कहीं धूल धक्कड़ दिख जाए तो इनकी चिंता बढ़ जाती है। यूं समझ लीजिए साफ सफाई को लेकर काफी ऑब्सेसिव है अपने डॉक्टर साहब, और जिन्हें सफाई पसंद नहीं उनके लिए अपने डॉक्टर साहब का बस एक ही मंत्र है, दूर से नमस्ते। भूल गए ना? माफी चाहता हूँ। वो क्या है कि लड़के वाले आने वाले हैं ना, तो इसलिए मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मुझसे गुस्से भी हैं, मगर मैं वादा करता हूँ कि आज सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझसे गुस्से मत होना और नाराज भी मत होना। ये है मंजू चतुर्वेदी, अपने डॉक्टर साहब की धर्म पत्नी, जो कोविड की पहली वेव में इस दुनिया से तो चल बसी, लेकिन चिंतामणि के मन में और इस फोटो फ्रेम में आज तक बसी हुई है। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी मंजू जी अपने चिंटू जी को वही फोटो फ्रेम के अंदर से कंट्रोल भी करती हैं। से मिलिए, ये है मंजू और चिंतामणि की इकलौती बेटी और हमारी कहानी की हीरोइन गीत चतुर्वेदी। हाँ हाँ मैं निकल गई हूँ, तुझे पहुँच के फोन करती हूँ, चमनदर जी के पास ही जा रही हूँ। हाजिर जवाब होने के अलावा फोटोग्राफी है इनका पैशन, और इनके रग रग में भरा है सिनेमा और फैशन।
सुनो जी पापा, कहाँ जा रही हो? मैं चमंदर जी के यहाँ से होकर आती हूँ, दोस्त की शादी में जाने कपड़े ही नहीं दिए। अरे मगर मास्क लगा। हाँ हाँ पहनते हैं। वो लड़के वाले आ रहे हैं, कब तक आएगी वापस? गाँव के बिहारी जी की कसम, हम लेट नहीं होंगे, जा रहे हैं। मास्क तो पहन ले। पहनती हूँ। अरे क्या बताऊँ मैं तेरे को, पहन रही हूँ, ये नहीं कि पहन के जाए बाहर। अरे भाई हाथ जल्दी से चलाओ, क्या कर रहे हो? ये है चिंतामणि के पड़ोसी और जानी दुश्मन बनवारी लाल मिठाई वाला। कहाँ रह गया ये जड़ी बूटी वाला? और फाइनली ये है हमारा आदर्श मोहल्ला। सिर्फ नाम से आदर्श, पर सारे आदर्शों ने जैसे यहाँ रहने वालों को कह रखा है दूर से नमस्ते। बताइए जरा इतनी गंदगी, कोविड के इस दौर में ना मास्क ना डिस्टेंसिंग। सोचिए ऐसे में यहाँ अपने नियम कानून साफ सफाई वाले चिंतामणि जी कितना मुश्किल होता होगा। एक तरफ जहाँ चिंतामणि खुद को आयुर्वेदाचार्य समझते हैं, वहीं बनवारी लाल उसे जड़ी बूटी वाला कहकर चिढ़ाता रहता है। जड़ी बूटी वाला दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और कोविड के बाद से तो ये दुश्मनी और बड़ी है, कारण कि जब से ये कोविड महामारी शुरू हुई है तब से बनवारी का धंधा थोड़ा मंदा और चिंतामणि का धंधा उम्दा हो गया। चिंतामणि के यहाँ भीड़ देखकर बनवारी को वो दिन याद आते हैं जब उसके यहाँ सुबह सुबह उसके स्पेशल नाश्ते बेड़ई पूरी, आलू की सब्जी और जलेबी खाने वालों की लाइन लगा करती थी। पर शुक्र है लॉकडाउन हटा और आज तो महीनों बाद बनवारी लाल मिठाई वाले के यहाँ एक शादी के लिए लड्डूओं का एक बड़ा ऑर्डर आया। जल्दी। ये है बनवारी लाल जी की लगते जिगर और बिजनेस पार्टनर, उनकी धर्म पत्नी रानी जी। विशु के पापा, अरे आइए ना, इतना काम पड़ा हुआ है। और इनको देखिए कितना धीरे धीरे ऐसे ऐसे लड्डू। अरे मेरी दिल की रानी जी, आप क्यों टेंशन ले रही है? अब मैं बैठा हूँ ना, हजार लड्डू बनाए बिना उठूंगा ही नहीं। सो तो है। अरे ताजमहल और पेठे के बाद पूरे आगरा जिला में अगर कुछ वही फेमस है ना, तो वो है आपके हाथ के बने हुए लड्डू। रानी जी क्या कर रहे हैं आप? कारीगर सब बैठे हैं। हाँ ना, आपको तो लाज शर्म छूकर भी नहीं गई। तो लाज शर्म किस बात की? ब्याह कर लाए हैं तुम्हें, है ना? हाँ, पूरा मोहल्ला जानता है। फिर देखो लाज शर्म से याद आया, आपका बेटा का है। हैं? नहीं वो मतलब सुबह सुबह आने वाला था ना 6 बजे लड्डू बनवाने के लिए, तो इसलिए पूछा। हाँ लड्डू बनाने के लिए। इधर देख मेरे चेहरे पे क्या भोंदू लिखा हुआ है। हाँ? कान और जबान कम और हाथ ज्यादा चला। बना लड्डू, चलो जल्दी जल्दी। चलो चलो चलो। कि बिसु कहाँ है? पता नहीं। कि कहाँ रह गया बिसु? बिसु? Boys and girls, you're doing all right. We wanna freak out, have a good time. Ladies, come on, raise your hands. Show me where are all my fans. Come into the club, I wanna spray champagne. Come on, let's warm up. Can you hear the beat drop? DJ, put the bass up. अब मिलिए इनसे, हमेशा सबकी मदद को तैयार हमारी कहानी के हीरो विशेश्वर लाल, यानी सबके प्यारे विशु। मोहल्ले भर के लोगों को पकड़ पकड़ कर कोविड का वैक्सीन लगवा रहा है आजकल। किसी को मदद चाहिए हो या नहीं, विशु मदद जरूर करेगा। आराम से देख के, अरे क्या कर रही हो यार मम्मी? रुक, अरे मम्मी बात तो सुनो। रुक जा, क्यों? अरे मम्मी सब इश्यू सॉल्व करेगा विशु।
अरे अरे घर में दो रुपए की मदद नहीं होती तुझसे। मेरी बात सुनो, मोहल्ले भर का सोनू सूद बना फिरता रहता है। रुक, मैं मारूंगी तुझे, मारूंगी। मेरी 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 बात तो सुनो मम्मी यार। अरे नहीं सुन रहा यार, तुम्हारी कोई भी बात। जब किसी को वैक्सीन मम्मी यार कलची है लोई थी, छह बजे का ऑर्डर खड़ा होता है। हाँ, और यहाँ हमारे घर में अरे मम्मी लड्डू का ऑर्डर पूरा करना है, उसके बारे में नहीं सोचता तू? मैं करूंगा मम्मी, मैं करूंगा। ये जो गधे के सर से सिंह की तरह यहाँ से गायब होना चाह रहा था ना, ये है विशु का लंगोटिया यार, चॉकलेट। तुम तेरी वजह से मैं फंसता हूँ यार। तू तो सुबह 6 बजे आने वाला था ना, ये तेरा गुड मॉर्निंग हो रहा है अभी। जैसे वीरू के लिए जय, वैसे ही विशु के लिए चॉकलेट। और चॉकलेट सिर्फ विशु का ही जिगरी यार नहीं, गीत का भी सबसे अच्छा दोस्त है। जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि सबके बारे में बता रहा हूँ, पर मैं कौन हूँ? बताऊंगा लेकिन सही समय आने पर। लो, लाइट गई। कोई बात नहीं, मैं कटिया डाल के आता हूँ दूसरी फेज पे, चलो। अच्छा। अरे पापा, आदर्श अगर मोहल्ले में रहते हो, कम से कम मोहल्ले की इज्जत का ख्याल तो रख लो। क्या हुआ? अरे मास्क। अरे कोई बात नहीं। अरे पापा बात सुनो यार, ऐसे कैसे कोई बात नहीं? मतलब आप नहीं मानोगे बात? अरे यार पापा अच्छे से पहन लो, ये नाक और मुंह ढक के पहनो। ठीक है यार। नहीं मानोगे तो मैं फोन। पहले माननी चाहिए। अरे यार पापा आप भी। अरे आज क्लिनिक फिर से 2 दिन के लिए बंद। दाल में जरूर कुछ काला है, पता लगाएंगे। लेकिन पहले थोड़ा इसे जलाऊं, पकाऊं, बताऊं कि मुझे कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। यहाँ कोई दुकान बंद कर रहा है और किसी को मिठाई का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। कर्म कांड कर चतुर्वेदी, कर्म कांड कर। अरे कर्म करेगा तो फल पाएगा और कांड करेगा तो कांड। किसने किया कांड? कौन सा कांड? क्या ओए, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है मेरे को? मतलब की बात कर। देख नहीं रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहा है टट पूछिए? चोर की दाढ़ी में तिनका। विशु, विशु जाकर देखना, तेरे पापा देखो किस साथ भिड़ रहे हैं। अरे मम्मी उसमें कौन सा सस्पेंस है यार, हैं? कभी चॉकलेट। अरे अबे फटाफट भर लड्डू यार। अबे कर दो ना, तू फोन पे बैठा हुआ है। अरे मैं फोन पे? अबे वो जल्दी आज चलाओ यार, ऑर्डर कंप्लीट करना है। हाँ, अरे तेरे जैसे जड़ी बूटी वाले से बात कौन करना चाहता है? तो जैसे कौन करना चाहता है? बड़े पैसे दिखा रहा था कोरोना के दरमियान। अरे है तो दिखाऊंगा, सही क्या था पिक्चर नहीं का। एक बात सुन ले, तुझे 20 घरों का ऑर्डर मिला है लड्डूओं का। मिला होगा। अरे इतने पैसे है कि तू दवाई की 500 शीशियां बेचेगा तो भी नहीं कमा पाएगा। अरे जान बड़े देखते रहे तेरे। अरे बड़े जैसे देखे जा जा। अरे दरअसल चिंतामणि का एक ऐसा राज है जो उनकी बहन प्रभा चतुर्वेदी के अलावा कोई नहीं जानता। पर चिंतामणि को लगता है कि शायद बनवारी लाल वो राज जानता है और उसी को लेकर वो उन्हें छेड़ता है। इस बात से चिंतामणि का पारा अक्सर गर्म हो जाता है। ये दुष्ट, जाकर देखना तेरे बाप को, कहीं लड़ाई बढ़ ना जाए। अरे मम्मी क्या मजाक कर रही हो आप? हाँ, मैं और चॉकलेट हाफ पैंट से फुल पैंट हो गए, आज तक तो उन्होंने एक दूसरे को टच नहीं किया, तो अब क्या कर लेंगे भाई? 1.5 दशक से लड़े जा रहे, पता नहीं क्या मोटिवेशन चाहिए एक दूसरे पे हाथ उठाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मोटिवेशन चाहिए? मम्मी अभी दिखाती हूँ मोटिवेशन, लाती हूँ ना मोटिवेशन। आंटी तो चल निकल, चॉकलेट निकल यार। अरे मम्मी यार, देखा भाग गए ना दोनों काम चोर कहीं के। अरे विशु के पापा। बोलिए रानी जी। क्या बात है, आज आपकी लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई? अच्छा उड़ाइए, मजाक उड़ाइए, लेकिन छोड़ूंगा नहीं उस जड़ी बूटी वाले को। अरे जैसे उसके कंपाउंडर ने आके बोला वो पीली डायरी नहीं मिल रही है, वो ऐसे भाग खड़ा हुआ जैसे कोई भूत देखा हो। रानी जी जरूर कोई राज है उस पीली डायरी का, और हर दूसरे हफ्ते ये दुकान बंद होने का। देखिए आज भी बंद है। अरे नहीं, आज तो गीत को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं ना। जैसे ही लड़के वाले घर से निकलेंगे ये चिंतामणि उनके पीछे जाएगा। लेकिन आज वो अकेला नहीं होगा, उसके पीछे मैं और आप होंगे। अरे वाह, जासूसी जासूसी, मजा आ जाएगा।
क्या हुआ? लेकिन 6 बजे तो लाला जी के लड्डू के ऑर्डर की डिलीवरी तो आप ही को करनी है ना, वो कैसे होगा? अरे उसमें क्या है, वो विशु और चॉकलेट कर देंगे। विशु और चॉकलेट? अरे आप क्यों चिंता कर रही हो जाएगा। अरे भाई हाथ जल्दी से चलाओ, क्या कर रहे हो? विशु और चॉकलेट। अरे आइए विशु की मम्मी। उधर बनवारी लाल का जासूसी का प्लान बन रहा है और इधर चिंतामणि की चिंता का कारण है पीली डायरी, जो ना जाने कहां खो गई। कहीं नीचे तो नहीं गिर गई? अब भाई अगर जानी दुश्मन की जासूसी करनी है तो डिलीवरी का ये काम अपने नालायक बेटे को देने का रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। ये देखो क्या कर दिया। आइए एक मिनट। देखिए मैंने पंडित जी को साफ साफ कह दिया था कि लड़के वाले जो भी आएंगे डबल वैक्सीनेटेड है हम सब है अंकल। तो आइए ना, आइए। ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? घर में तो मास्क खोल सकते हैं ना। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं। चिंतामणि जी आप चिंता बहुत करते हैं। गीत के फोटो देखते ही हम भी बेटे ने पूरे खानदान को इंस्ट्रक्शन दी है जी कि भाई शादी में आना है तो वैक्सीन लगवाओ। बड़ा अच्छा है। ये लोग कहाँ गए? अरे आइए ना, आइए। तशरीफ रखिए। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या जी? सिर्फ दादी को नहीं लेके आए हैं, उनको बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है ना। ओहो गीत नहीं है घर पर? पापा अभी आओ। आओ बेटी आओ। आ गई बेटा सैर करके। वही बता रहे हम कि मार्केट में ना कितनी भीड़ थी, मतलब सबके सामने ऐसे शक्तिमान बने घूम रहे थे, ना किसी ने मास्क लगाया ना सोशल डिस्टेंस, मतलब कोविड प्रोटोकॉल तो बस नाम का ही रह गया। समझते ही नहीं है ये लोग कि मास्क सैनिटाइजर ये खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे के पूरे परिवार के लिए जरूरी होता है। ये तो वही बात हुई ना माँ कि हम तो डूबे ही हैं, तुम्हें भी साथ में लेके डूबेंगे। वैसे आपने अपना नाम क्या बताया? जी सुंदर। भाई आज की तारीख में सुंदर भाई जो सारे के सारे नियम फॉलो करें, आप करते हैं ना? हाँ बिल्कुल। बहुत सुंदर सुंदर जी, क्योंकि क्या है ना हमसे तो डर के ना सब वैसे ही 2 गज की दूरी पर रहते हैं। सुंदर जी सुनिए ना, मुझे ना मेरी फ्रेंड की शादी में जाना है, आपका रास्ता भी वहीं से होके जाएगा, आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं प्लीज? बैठिए ना, आप ही की गाड़ी है, बैठिए। मैं आगे बैठ जाऊं क्या? हाँ हाँ बैठ जाइए, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। हाँ थैंक यू। अरे रानी जी जल्दी चलिए हमें जाना है। जासूसी कर रहे हैं लेकिन क्यों पता लगा दे। चलो Thank you.
जी हाँ, लड़का लड़की के गुण मिले ना मिले, पर लड़के के 36 गुण डॉक्टर साहब की इस लिस्ट से जरूर मिलने चाहिए। और कोविड के बाद तो इस लिस्ट में और इजाफा हुआ है, क्योंकि जहाँ कोविड नियम नहीं वहाँ रिश्ता भी नहीं। अबे चल चल, जल्दी चल चॉकलेट। अबे यार नहीं तो लड्डू की डिलीवरी लेट हो जाएगी। अबे चल ना, चल जल्दी 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 भाग। उत्तरी यहाँ तो अलग ही बवाल है। अरे रास्ता तो भाई, अरे संभाल के देख के। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो देख रहे हैं वो सच है और यहाँ ऐसा कुछ फिल्मी हो रहा है, तो आप बिल्कुल सही नहीं सोच रहे हैं जनाब, क्योंकि विशु ने गीत को तो संभाल लिया था लेकिन लड्डुओं को वो नहीं संभाल पाया जो ट्रे से उछल उछल कर लोगों के पैरों तले कुचले गए। लड्डू की डिलीवरी तो 6 बजे की थी, अब ये इशू कैसे सॉल्व करेगा विशु? यार चॉकलेट हमारे लड्डू। विशु। हाँ बोल। तुमने मैं कीचड़ में गिरा दिया। कीचड़ से तेरे को बहुत परेशानी हो रही है ना? कीचड़ के साथ तो तेरी रिश्तेदारी है, तेरे दिमाग में कीचड़ भरा हुआ है। हैं तो एडजस्ट कर ले कीचड़ के साथ थोड़ा सा। विरासत में मिली है ही नहीं ये दुश्मनी, बचपन से ही ये दोनों बिल्कुल अपने अपने पप्पा की तरह ही लड़ते हैं। यार मेरे लड्डू, हमें तुमसे ना कोई हमदर्दी नहीं। चॉकलेट, चॉकलेट। विशु शामत आ गई भाई। तुझे पड़ी क्या? मुझे भी 6 बजने वाले। विशु एक भी लड्डू नहीं बचा। अरे बचा है ना, एक लड्डू बचा है। थैंक यू। दे। क्यों चाहिए? दे ना। अबे दे। ले। आखिरी लड्डू, इसे ना मैं घर जाके आराम से हाथ धो के खाऊंगी। वो क्या कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वाह 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 वाह। चॉकलेट, चॉकलेट से बात कर रही हूँ ना मैं। जब ना शाम को किसी की धुनाई पिटाई और सुताई हो रही होगी ना, वाह 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 वाह, मजा ही आ जाएगा। और मैं रास्ते से ना पॉपकॉर्न भी खरीद लेती हूँ। वो क्या कहते हैं ना कि एंटरटेनिंग सीन हो और पॉपकॉर्न, तो मजा ही आ जाता है। वाह वाह वाह। अबे छोड़ ना, पैसे नहीं दूंगे। लड्डू यार क्या करेंगे अब? सन्नाटा। हमको काहे मोटा मोटा कह के बुलावे, तभी मोटा तो दरोगा के पापों का आंगन बा। हमको काहे मोटा मोटा कह के बुलावे, तभी मोटा तो उसेट के झोली में छुपा धन बा। यार गीत बोलो। इतना सन्नाटा क्यों है? सुबह सुबह सन्नाटा ही होता है यार। पहली बात तो ये है कि 11 बजे को ना सुबह सुबह नहीं कहते, सिर्फ सुबह कहते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में ना दोपहर हो जाएगी। और दूसरी बात ये है, मुझे ये बताओ कि विशु के घर में इतनी शांति कैसे है? यार मुझे क्या पता विशु के घर में इतनी शांति क्यों है, पर तुमने हमारी नींद क्यों खराब कर दी? देखो तुम ना सटकाओ मत मेरी। बना रहे हैं, मुझे जला रहा है ये मसल्स बना के।
मुझे ना अभी के अभी जानना है कि ये बचा कैसे। लड्डू तो सारे के सारे गिर गए थे ना, तो फिर किया क्या तुम लोगों ने? यार गीत मैं नहीं बताने वाला, मुझे नहीं पता तुम्हारे पछड़े में, ठीक है? चॉकलेट दे तू, तुझे मेरी कसम, तुझे तुझे बिहारी जी की कसम, विद्या रानी की कसम, तुझे वो रोड नंबर 9 है कुसुम की कसम। कुसुम ये थोड़ा आराम से बोलो यार, कुछ मिलेगा, कितने कमीन हो यार तुम दोनों। अब आया चॉकलेट पहाड़ के नीचे, रोड नंबर 9 है वाली। हाँ अब तो तेरी जबान राजधानी से तेज चलेगी। हाँ हाँ दिमाग तो तेरा ही तेज चलता है, हमने तो प्रोटीन सिर्फ हाइट बढ़ाने के लिए पिया है। देखो तुम हो बैल बुद्धि। कौन मैं? हाँ तुमने ना सिर्फ भैंस का ही दूध पिया है। अबे ओए दूध भैंस का पिया जाता, बकरी का नहीं। चॉकलेट उगल तू अब। गीत तू मुझे जितनी कसमें राज उगलवाने के लिए दे रही है ना, उतनी ही कसमें विशु मुझे राज छुपाने के लिए दे चुके हैं। रोड नंबर 9 ने वाली की भी। वो कौन है? पम्मी जी। तुझे पम्मी जी की कसम। इस मोहल्ले में रहने वाले हर काबिल इंसान की कसम मुझे मिल चुकी है। पम्मी जी, अमन भैया, गूगल चाचा, अंजलि, यहाँ तक की तेरी टीचर दीदी जी भी। कितना गिरा हुआ है रे तू? वाह बेटा वो गिरा हुआ है और तू उठी हुई। सही कहा था मैंने, कमीने हो तुम दोनों, ऐसे लड़ते रहते हो पर खोपड़ी एक जैसी चलती है तुम दोनों की। चलो बाय, मैं जा रहा हूँ। अरे नायरा बेटी का फोन है। बाय मेरी तरफ से, बाय बाय। बाय मामा। कैसी है मेरी नन्ही जान, और कैसी आई तुम्हारी अस्थमा की रिपोर्ट्स? मुझसे पूछोगी तो मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन अगर आप मासी का चेहरा देखोगी ना तो आपको पता लगेगा कि मुझे कितनी भयंकर बीमारी है। बुआ का हाल तो पता है मुझे। अच्छा तुम ये बताओ कल यहाँ पहुँच रही हो कि नहीं, और नानी को बूस्टर डोज लगा कि नहीं? 9 महीने हो गए उनकी सेकंड डोज को। अरे तैयारी नहीं थी, कह रही थी 2 डोज तो ले लिए, अब बूस्टर डोज क्यों लेना? और वही फालतू सा लॉजिक कि कोविड चला गया। मैंने कितना समझाया कि वायरस से पूरी तरह इम्यूनिटी के लिए ये बूस्टर डोज कितना जरूरी है, और वो भी सही टाइम इंटरवल पे लेना, लेकिन नहीं। तो मैंने भी अपना तिरप का इक्का फेंक दिया। मैंने भी कह दिया अगर आप बूस्टर डोज के लिए नहीं जाओगे तो मैं भी अपना फॉलोअप चेकअप नहीं कराऊंगी। तुम नानी हो सबकी। हाँ वो तो मैं हूँ। बनवारीलाल, बनवारीलाल बाहर आओ, बनवारीलाल। नायरा तुम अपने ना ध्यान रखना, बाद में फोन करते हैं, यहाँ ना कुछ धमाल होने वाला है। आप जहाँ पे रहती हो ना वहाँ पे धमाल ही होता है। बाय। अबे तुमको हम अकल से पैदल दिखते हैं का ताऊ? तुम्हारी दुकान हमारी मौसी ने बताई थी कि यहाँ बहुत बढ़िया लड्डू बिकते हैं। हाँ तो बिकते ही हैं। बनवारी लाल मिठाई वाले अपनी जान दे देंगे लेकिन अपना नाम खराब नहीं होने देंगे। अरे बड़ी इज्जत है हमारी शहर में, दूर दूर से लोग आते हैं। अरे लाला जी आपकी मौसी उनका वजन 50 किलो से 90 किलो तक पहुंच गया, वो भी हमारे दुकान के लड्डू खा खा के। और क्या इतनी बड़ी फैन है वो हमारे दुकान की और लड्डू की। चाची एक तो तुम हमको लाला लाला मत कहो, ऊपर से हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ, हमें आज ताऊ से निपटने दो। हाँ तो ताऊ। लाला जी पहले हमें ये बताओ कि तुम मेरे ताऊ क्यों बुला रहे हो और मुझे अपनी चाची जी बता रहे हो, ये भी कोई बात बनी क्या? या तो इन्हें चाचा कहिए या मुझे ताई कहिए, फैसला करो। रानी जी बिल्कुल सही कहा आपने, आप कितना डीप सोचती है, इसीलिए तो हम आपके मुरीद हैं ना, है ना रानी जी? है अभी ना सबके सामने मुझे लज्जा देते हो। मजाक चल रहा है क्या यहाँ? ये लड्डू खा के देखिए अभी के हैं क्या? बिल्कुल नहीं अंकल जी, वो है तो यही लड्डू डिलीवर हुए थे। आधा खानदान उल्टी दस्त कर करके बीमार पड़ा हुआ है कल से आपके आके लड्डू खा के, और ऊपर से देसी घी का बोल कर सड़े हुए तेल में लड्डू बनाते हो। ओ लाला जी कब से आप हमें ये ऐसे ऐसे करके लड्डू जो दिखा रहे हो ना ये हमारी दुकान के नहीं है, क्यों बिसु के पापा? पॉपकॉर्न तो अब चाहिए, वो भी पूरे मोहल्ले को। वही तो, ये लड्डू अलग है ताऊ जी, डिलीवरी यही लड्डू हुए थे हमारे यहाँ।
अरे नहीं चाचा, ये लड्डू हमारे हैं ही नहीं। अरे तुमने तो डिलीवर किए थे। वो लड्डू गिर गए थे। गिर गए थे। घोर कलयुग, तुमने सारे लड्डू गिरा दिए? मतलब नीचे गिरे हुए लड्डू दिए आपको? विशु ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमसे। क्या किया तुमने विशुआ? देख गीत, तू ना चुप रहे, ये सब कुछ ना तेरी वजह से हो रहा है। वजह तू है, ये सब तो बहाने हैं। एक काम भी ढंग से नहीं कर सकता क्यों? तो क्या गिरे हुए लड्डू पहुंचाए? नहीं नहीं, वो मैंने चॉकलेट बताना है, सारी कहानी चॉकलेट बताएगा आप। क्या? वो हमने किसी और से लड्डू लेके आपको डिलीवर कर दिए। कहा था ना आपसे, विशु ने कोई जिम्मेदारी वाला काम किया ही नहीं आज तक, और यहाँ तो उसने पूरी की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी और 3 गुना नुकसान वसूल गया। 100 अलग। इस बार तो हमेशा विशु का पक्ष लेने वाली रानी जी का भी खून खौल गया। बाप की बेइज्जती तक तो ठीक है, विशु इस पब्लिक प्लेस में अपनी बेइज्जती को कैसे सहे? तो भैया वो वहां से निकल लिया। सुके पापा। अरे रानी जी आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, लीजिए दूध पी लीजिए। नहीं मन नहीं कर रहा। आप अगर इस तरह से रोती शक्ल लेकर बैठेंगे ना तो फिर हम भी रो देंगे। हाँ अरे आप क्यों रोएंगी रानी जी, एक आप ही हैं जो हमें समझती है। नहीं विशु ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है हमें दुखी करने में। रानी जी आप तो सब जानती है, आपने देखा है कैसे हमने दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ा है। कभी कभी तो लगता है कि गधा विशु नहीं हम है जो उससे उम्मीद पाले हुए हैं। समय बदलते देर नहीं लगती विशु के पापा, अभी रात है तो सवेरा जरूर होगा। अब देखिए ना, पूरे देश भर में ये कोरोना की महामारी आ गई, लॉकडाउन लग गया, लोगों के तो जैसे काम ही ठप पड़ गए। लेकिन इस लॉकडाउन में पता है एक अच्छी बात भी तो हुई है, परिवार महीनों तक एक दूसरे के साथ घर में मिलजुल के रहने लगे। और देखिए ना, देखते देखते हमारी दुकान वो भी तो खुल गई ना। खुली कि नहीं? खुली। आप ही तो कहते हैं ना कि चलती का नाम गाड़ी। हाँ अब देखिए ना, जिंदगी धीरे धीरे फिर से पटरी पर आ गई ना। अब देखना हमारा बिस्सू भी धीरे धीरे वो भी पटरी पर आ ही जाएगा। हमें पता है आपके मन में क्या चल रहा है। आपका तो सपना है ना कि हमारा बिस्सू हमारी खानदानी विरासत को आगे बढ़ाए और इस शहर के बीचों बीच हमारी बहुत बड़ी सी मिठाई की दुकान हो। देखना आपका ये सपना जरूर सच होगा। पता नहीं मैं अपनी बेटी के लिए परफेक्ट दुल्हा ढूंढ पाऊंगा या नहीं। इंडस्ट्री की मशहूर फैशन डिजाइनर बनना सपना है मेरा, और मेरा ये सपना एक दिन जरूर सच होगा। इन सबके सपनों को देखकर मुझे अपना सपना याद आ गया। अरे हाँ,
मैंने तो आपको अब तक बताया ही नहीं कि मैं कौन हूं। मैं हूं COVID-19। क्या हुआ, सुन के झटका लगा? अरे आप तो क्या बड़े बड़े देश तक मुझसे हिल गए। मेरी वजह से दुनिया भर में लाखों लोगों की जान तक चली गई, और उन लाखों में कई आपके अपने भी थे जिन्हें आपने हमेशा के लिए खो दिया। मुझे पता है कि मेरी वजह से बहुत नुकसान हुआ है और इस बात का दुख मुझे भी बहुत है, पर सवाल यह है कि क्या यह सब सच में मेरी वजह से हुआ है? सोच कर देखिएगा। अच्छा छोड़िए, मैं तो कहूंगा आप बस अपना ध्यान रखिए, अपने पर्यावरण को साफ रखिए, अपने तौर तरीकों और आदतों में थोड़ा सा सुधार ले आइए, सारे नियमों का पालन करिए, तो मैं तो क्या, कोई भी वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और सिर्फ आज ही नहीं आगे भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जानते हैं, यही है मेरा सपना। छोटे छोटे शहरों के छोटे छोटे किस्से और बड़े बड़े सपने, कहीं सपनों के पूरे होने की बात हो रही है और कहीं तो सपनों ने अब तक दस्तक भी नहीं दिया है, पर उम्मीद पर दुनिया कायम है। इस एपिसोड में आप मिले आदर्श मोहल्ले के अतरंगी किरदारों से। आपने देखा कि सबके पास एक सपना है, लेकिन बिंदास बेपरवाह विश्व के पास कोई सपना नहीं, और कोविड के बाद तो सबकी जिंदगी ही जैसे बदल गई है। कोरोना महामारी ने आपकी जिंदगी को किस तरह से बदला? रानी जी को तो लगता है कि एक बार कोरोना हो गया तो दोबारा नहीं होगा। आपको क्या लगता है, इस बारे में आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं।